जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी एट क्लास दी मैथ बुक चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 दे अगले 3 क्वेश्चंस इस वीडियो विच असी करांगे। तुसी वीडियो नू बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। आंसर्स नू अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों इन्हां क्वेश्चंस नू अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए। अगे वधन तो पहले प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू मैं दस दवां कि इसी चैनल दे ते चट्टसाल कैप्टन यशपाल सिंह ते तुहाडी 8th क्लास दियां 3 प्लेलिस्टां होर ने तुहाडे कम दियां। एक हैगी 8th साइंस, इंग्लिश मीडियम विच उहदे नोट्स अते क्वेश्चन आंसर सारे पा दित्ते गए ने। दूसरी हैगी 8th इंग्लिश, जे तुहाडी इंग्लिश दी बुक माई इंग्लिश कंपेनियन सारी सॉल्व करके पा दित्ती गई है। ते तीसरी है 8th ग्रामर, जिहदे विच इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन दी बुक्स दी एक्सरसाइजेस सारियां नू सॉल्व करके पाया गया। सो तुसी वो वीडियोस भी देख सकते हो। सो बच्चों, क्वेश्चन 4 हैगा है दी शॉपर्स। शॉपर्स दा मतलब हुंदा बच्चों ग्राहक या खरीदारी करने वाले। दी शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, एम कैपिटल एम। कि जिहड़े गाहक आंदे ने उहनां नू मतलब कि देखा गया कि बंदे आए ते उहनू एम एडल्ट, वूमेन औरत आई, बीबी आई, ते डब्ल्यू वूमेन गर्ल, कोई कुड़ी आई, मुटियार आई, ते उहनू जी, ते बॉय मुंडा गबरू आया, ते उन्हों बी। इदां करके उन्हां दी पछाण करके लिख लिया भी ए कदों आया। दी फॉलोइंग लिस्ट गिव्स दी शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन दी मॉर्निंग। सवेरे जो डिपार्टमेंटल स्टोर खुलता है ते पहले घंटे दे विच उन्होंने देख लिया भी कि कड़े गाहक आए, ते जड़े अपने वो सिगे मर्द सिगे उन्होंने एम करके लिख लिया, बीबिया नू डब्ल्यू करके लिख लिया, मुटियारा नू गर्ल करके लिख लिया, जी करके, ते गबरुआ नू उन्होंने बी करके लिख लिया, ते सूची बना ली। ते इदां सूची बनी, पहला गाहक जनानी हमारी बीबी सी, दूजा गाहक भी बीबी सी, तीजी मुटियार सी, चौथी फिर बीबी सी, फिर गबरू सीगा। इदां करते करते बच्चों इन्होंने इदां सूची बनाई है। हुण कहिंदे प्रिपेयर आ फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इहदा फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। जिवें कि बच्चे उन्हें दा करते हाँ, जिवें कि असी जिथे गिणती का डाटा होंदा, जिथे संख्या होंदी है, न्यूमरल वैल्यूज होंगे हैं, उत्थे आम तौर पर असी इनू अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के। पर हुण बच्चों लैटर्स है, जी है, डबल्यू है, एम है। हुण असी इनू की करांगे, अरेंजिंग डाटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उन्हें साडा काम सौखा हो जाएगा, कैटेगरी बन जाती है, तो साडा जिहड़ा अगे फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का काम बड़ा सौखा हो जाता है। सो बच्चों बी पहले आंदा है, सो असी बी दे इदां बना ले, फिर जी, फिर एम वाले बना ले, ते फिर डब्ल्यू वालियाँ, इदा यह पूरा इधर गिण के शुरू करके असी इदा कर लिया। ठीक है, हुण साडा फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बड़ा सौखा हो जाएगा। आओ देखिए। सो डाटा बच्चों मैं इतने एक बार फिर लिख लिया ताकि इतों की स्टेट वे देख के तुसी हवाला लै सको, कि रेफरेंस लै सको कि यह फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनता है। सो अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो पहला बी तो शुरू करते हैं, पर बी किन्ने ने, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5, इतने 5 लिख दिता फ्रीकुएंसी शॉपर्स। फिर है बच्चों गर्ल्स किनिया ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है, 12। सो 5 एंड 5 10 एंड 12। हुण मैन देखिए किन्ने ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सॉरी इतने गलत गिनेगा सीगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो बच्चों आ गए ने 15, 5 5 5 15। हुण वोमेन देखिए बच्चों, सो ए इतों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28. So I have 5 and 5, 10 and 5, 15 and 5, 20 and 25 and plus 3, 28. So इस तरह लिख देता, जरा जोड़े आते 60 शॉपर्स है ने एट टोटल। सो इस तरह बच्चा देखो, एट अ ग्लांस सानू पहली नज़र पता लगता है कि पहले घंटे में जी सब तो ज़्यादा शॉपिंग करन, खरीदारी करन आए जड़े पुराने सिगे, उन्होंने सब तो वड्डी गिनती कि हैगी बीबिया की हैगी, ते सब तो घट गिनती कि हैगी गभरुआं की हैगी, मुंडियां की हैगी। सो इस तरह यह फ्रीकुएंसी टेबल बनाने का फायदा होंगे, बजाय इदा लभण के गिनती करने दे कि किनियां गर्ल्स ने, ते सानू यह देखते सारी टेबल दी फॉर्म च पता लग जाता है। आओ अगला सवाल देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर फॉलोइंग वेट्स वेट ऑन पार इन केजी किलोग्राम दे विच ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास यूजिंग इंटरवल 30 टू 35 35 टू 40 एंड सो ऑन। हुण बच्चों इत्थे थोड़ा फर्क आ गया, इत्थे इन्होंने सानू इंटरवल यूज करन लई क्या है, ठीक है। सो इन्होंने कहा 30 टू 35 35 टू 40 है भार जिहड़ा हैगा, ठीक है। सो बच्चों असी की कीता, असी देख लिया सब तो छोटा जिहड़ा भार है वो 31 किलो है, सो 31 तो थले कोई नहीं हैगा। तो असी फिर असी यह देखना कि 5-5 किलो के इंटरवल से बनाने ने। सो मैं की कीता 31 टू 34 है, 30 टू 35 वाला आ गया, फिर 35 टू 40 मैं इदा ग्रुप बना लिया इतों देख के, मानी असेंडिंग ऑर्डर ही हैगा, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पर मैं की कीता क्लास इंटरवल में गैप दे दिता ताकि मेरे लिए छांटी हो जाए, वो मतलब वो बन जाए, ग्रुप बन जाए, ठीक है ना। सो यह बन गया बच्चों 40 टू 45, ए 45 टू 50, ए 50 टू 55, ए 55 टू 60, ते 60 टू 65, ते 65 टू 70, ठीक है बच्चों। सो इस तरह मेरे ग्रुप बन गए। हूँ डाटा मैं इस असेंडिंग ऑर्डर में तो गैप दे के लिख लिया, तो मेरा काम बड़ा हूँ सौखा हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं इमीजिएटली बना सकता। यह देखो हूँ इतने लिखना क्लास इंटरवल 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू, जो इतने लिखना 35 वो इतने आएगा 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, क्योंकि मैक्सिमम मेरा 65 तो 65 वाले ग्रुप में जा रहे हैं, 65 टू 70 तो उत्ते तक लिख लिया। तो सब तो छोटा 31 है, सो 30 टू 35 दे रेंज में आएगा, ठीक है बच्चों। सो इसे टैली मार्क्स ते फ्रीक्वेंसी। सो 30 टू 35 किन्ने बच्चे ने, किन्ने विद्यार्थी ने भार वाले, एक दो तीन, ठीक है। सो एक दो तीन, इतने तीन लिख दिता। हुण बच्चों 35 टू 40 तक किन्ने आने ने, एक दो तीन चार, सो एक दो तीन चार इतने लिख दो। हुण बच्चों देखो 40 तो 45 तक कड़े ने, एक दो तीन चार। हुण देखो बच्चों यह गल का ख्याल रखना है कि यह भार जिहड़ा 40 हैगा, 40 इनू असी एवरेज नहीं गिनना, जिहड़ी इस तो वड्डी क्लास इंटरवल है वो गिनना है, याद रखना है। जां तुसीं हिस्सा याद रख लो, जिहड़ा लैफ्ट वाली साइड ते आंदा है उहनू गिनना है, राइट हैंड साइड वाले नूं नहीं गिनना। यह जिहड़ा 35 टू 40 आया है, यह 35 टू 39.9 तक चलेगा, या 35 टू 39 तक चलेगा, 40 की गिनती ये नहीं होगी, 40 की गिनती ये होगी। इसी तरह 45 की गिनती ये होगी, ये नहीं होगी, 50 की गिनती एच होएगी, एच नहीं होएगी। जोड़ा खब्बे पासे तो शुरू होंगे, लैफ्ट हैंड साइड तो शुरू होंगे, वो जोड़ा नंबर है उन्होंने रेंज में लिया जाता है, राइट हैंड साइड में रेंज में नहीं लिया जाता। यह गल तुम्हें याद रखनी है। इनू असं कहने बाय कन्वेंशन, मतलब कि सारे की सर्वसहमति दे नाल, कॉन्सेंसस दे नाल यह फैसला किया गया है कि जोड़ा यह वाला नंबर है इनू गिनती में लेना है, इनू इस क्लास में नहीं लेना, ठीक है। सो 40 टू 44 तक चार है ने, सो बच्चों 40 इस ये आएगा, 40 टू 40 वो चार आ गए। फिर 46 टू 49, 46 टू 49 ये आ गए, पाँच आ गए। फिर आ गया बच्चों 53 कला है, ए 50 टू 55, 50 टू 55 एक। फिर आ गया देखो जी 55, हूँ कला 55 आया ना, हूँ 55 ये नहीं आएगा, 55 ये आएगा ए लैफ्ट हैंड साइड वाले, सो इतने एक आ गया कला। फिर 60, हूँ 60 बच्चों इधर नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा 60 टू 65 वन, तो 65 ये नहीं आएगा, ये आएगा इस रेंज में आएगा, 65 टू 70 काउंट होगा। सो यह जल्द गिन भी लवेंगे तो 20 आता है, यह साडा फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। आओ अगला सवाल देखिए। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द मार्क्स नंबर जोड़े आए हैं पेपर के, आउट ऑफ 50 50 ऑबटेन्ड इन टेस्ट बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। क्लास 8 विच 60 स्टूडेंट्स ने इम्तिहान होया, टेस्ट होया, तो 50 के उन्होंने मार्क्स आए एवले। हूँ बच्चे ने सारे मार्क्स ने, तो कहते यूज क्लास इंटरवल 0 टू 10, 10 टू 20, ठीक है। सो हूँ असी बच्चों की करांगे अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर जिदा पहले किया, असेंडिंग ऑर्डर करते करते मैं नाल की किया बच्चों थोड़ा जहा गैप दे दिता ताकि मेरी ग्रुपिंग सौखी हो जाए। सो 5 तक, फिर 7, 10, 10 टू 15 वाले, इस तरह 15 टू 20 वाले, 20 टू 25 वाले, 25 टू 30 वाले, इस तरह करके मैं इन्हों अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर के सारे
अरेंज कर लिया। ऐ बच्चों असेंडिंग ऑर्डर विच अरेंज करना तुसी जरूर प्रैक्टिस करो इहदी, ते इहदे नाल तुहानूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बड़ा सौखा हो जाएगा। हुण इह सारे डाटा नूं मैं अगे ट्रांसफर इस करके कर रहा हां क्योंकि स्लाइड डिसअपीयर हो जाएगी अगली स्लाइड ते जिहड़ा आएगा सवाल। सो इस करके आई एम राइटिंग दिस डाटा अगेन ऑन द नैक्सट स्लाइड सो दैट वी कैन मेक द फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आओ देखिए। सो बच्चों इतने डाटा मैं लिख लिया, ठीक है। वो कहते 0 to 10, 0 to 10। सो 0 to 10 पांच तो लैके 7 तक जो 10 है बच्चे वो ये नहीं आएगा, 10 इतने ये कौन रहेगा, ठीक है ना। सो 0 to 10 दो बच्चे ने, 2 स्टूडेंट्स, ए दो लिख दिता। फिर 10 to 20 तक किन्ने 10 बच्चे ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इतने 5 5 10 हो गया, ठीक है जी। फिर आगे बच्चे 20 to 30 इतने तक है गए मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। 21 बच्चे ने, सो 5 5 10 15 20 ते 21 है 22 30। तो बच्चों देखो 20 जो नंबर है 20 है वाला, ए 10 to 20 विच काउंट नहीं होगा, 20 to 30 दे विच काउंट होएगा। इसी तरह 32 है, देखो 30 जो है वो ये काउंट होएगा, किन्ने बच्चे ने 19, 32 39 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। सो 30 to 40 19 बच्चे आ गए। फिर आ गया बच्चों 40 to 50, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे आ गए। हुण बच्चों 50, ठीक है, 50 जो नंबर लैन वाला 50 एक ही बच्चा आ गया, सो ये आएगा 50 to 61, ठीक है। सो यह आ गया बच्चों नंबर 1। यह फ्रीकुएंसी जल्दी ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 60 विच इज़ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी एक्सरसाइज 4.1 दे अगले 3 क्वेश्चंस ते तुसी इसी तरह नेम दे नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय, अगले वीडियो तक लई रब रखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।